हाउस हाउसबलर बसमी अल्लाम वरम वर्क वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपर एडवानसड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स अभी तक अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं और यहाँ पे ऑल पे क्लिक करें ताकि जितने भी हम वीडियोस अपलोड करें उनकी आपको नोटिफिकेशन आए हमारे जो वीडियो है उनको लाइक करें शेयर करें कमेंट करें अगर आपको कोई वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैर से होंगे स्टूडेंट्स जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल आज जो हमारा टॉपिक है और जिस टॉपिक पे आज हमने वीडियो बनाया है दैट इज अगेन एडवांस्ड फॉर्मूलाज ऑफ एम एस एक्सएल टेक्सट फंक्शन पार्ट थ्री कुछ ऐसे फंक्शन एम एस में होते हैं जो लॉजिक बेसड होते हैं आज हम वही लॉजिक बेसड फंक्शन पढ़ेंगे और वो तीन लॉजिक बेसड फंक्शन कौन कौन है लेफ्ट राइट right और मिड। तो इनशाला आज मैं पूरी कोशिश करूँगा इस वीडियो में आपको दिखाने की कैसे हम इन तीन लॉजिक बेस फंक्शंस का एम एस में इस्तेमाल करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है जिस टेबल में कुछ ट ऑफ डेटा है तो सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट है लेफ्ट फंक्शन तो यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन का क्या काम है लेफ्ट फंक्शन का ये काम है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कुछ यू हैव गॉट सम गिवन सेट ऑफ करेक्टर्स और नंबर्स आप चाहते हो लेफ्ट साइड से कुछ नंबर्स कट जाएं। और कुछ रहे, तो वो हम विद हेल्प ऑफ़ दिस लेफ्ट फंक्शन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं इक्वल टू एल ई एफ टी लेफ्ट रिटर्न स्पेसिफाइड नंबर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द रिटर्न ऑफ रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द Text string. तो ये आपको उन कैरेक्टर्स को देता है फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग जितने आप चाहते हो तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट का फंक्शन लिखा ब्रैकेट स्टार्ट किया उसके बाद हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट आएंगे सबसे पहले आपको वो टेक्स्ट सिलेक्ट करना है या वो सेल सिलेक्ट करनी है ये मैंने वो सेल सिलेक्ट की उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है उसके बाद आपको कैरेक्टर्स देने हैं जितने कैरेक्टर्स आप चाहते हो स्टार्टिंग जो स्ट्रिंग है वो रहने चाहिए और बाकी हटने चाहिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है नाइन फोर वन नाइन फाइव फाइव जीरो नाइन फोर वन नाइन फाइव फाइव रहना चाहे चाहिए तो ये कितने कैरेक्टर्स है वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स तो यहाँ पे मैं सिक्स देता हूँ देख लीजिए आप नाइन फोर वन नाइन फाइव फाइव रहेगा खाली ये मैं क्लोज करता हूँ देख लीजिए This is the function of the left लेफ्ट uh, तो so, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इफ यू हैव गॉट गिवन सेट ऑफ नंबर और यू हैव गॉट गिवन सेट ऑफ करेक्टर्स और आप चाहते हो स्टार्टिंग में कुछ नंबर्स रहे और बाकी कट जाए तो उसके लिए आपको ये लॉजिक वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है जिसको हम लेफ्ट कहते हैं एल ई एफ टी उसके बाद आपको सेल सेलेक्ट करना है और कितने कैरेक्टर्स स्टार्टिंग में आपको चाहिए उतने नंबर ऑफ करेक्टर्स आपको लिखने हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेवन लिखूंगा बजाय हम, पर हम 7 लिखते हैं, एंटर करता हूँ देख लीजिए नाइन नाइन फोर वन नाइन फाइव फाइव जीरो अगर आप चाहते हो जो भी आपके पास डेटा है जो भी आपके पास टेक्स्ट स्ट्रिंग्स है तो उसमें भी ऐसा ही होना चाहिए तो हमने एक फॉर्मूला बनाई है तो अब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे देख लीजिए हर एक में यहाँ पे भी आपके पहले छह कैरेक्टर्स आएंगे यहाँ पे भी पहले छह कैरेक्टर्स आएंगे यहाँ पे भी पहले छह कैरेक्टर्स आए सात कैरेक्टर्स आएंगे सॉरी ये सात है एक दो तीन चार पाँच सात कैरेक्टर्स यहाँ पे भी देखो नाम में भी आपके पहले सात कैरेक्टर्स आएंगे तो हर एक जगह फॉर एग्जाम्पल अब अगर किसी नाम में आपका किसी जगह स्पेस है देख लीजिए यहाँ पे मैंने एक स्पेस लिया आप देख लीजिए ये देखो स्पेस जो है वो भी एक कैरेक्टर होता है देख लीजिए ए ए बी आई डी ये हो गए पांच स्पेस हो गए और एम हो गए सात तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेफ्ट वाला फंक्शन समझ आया होगा दूसरा हमारा राइट right है सेम है वो लेफ्ट में हम राइट right, लेफ्ट uh, वाले कैरेक्टर्स लेते हैं जितने आपको चाहिए राइट right में हम

सबसे पहले हम वो डेटा को सिलेक्ट करेंगे या सेल को सिलेक्ट करेंगे कितने आपको चाहिए एंड के स्ट्रिंग के कितने कैरेक्टर्स आपको चाहिए जैसे मैं चाहता हूँ चार तो हमारे पास क्या आएगा जीरो नाइन सेवन सिक्स फोर लेता हूं एंटर करता हूं देख लीजिए जीरो नाइन सेवन सिक्स रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग ये फंक्शन है राइट का तो फिर अगर आप चाहते हो कि जो बाकी भी स्ट्रिंग है उनका भी ये आना चाहिए तो आपको ड्रैग करना है देख लीजिए पहले चार चार कैरेक्टर्स एंड के स्ट्रिंग में हर एक में आ जाएंगे देख लीजिए यहाँ पे आर डब्ल्यू ए एल यहाँ पे आएगा ई आई के एच यहाँ पे आएगा एच एम ए टी तो ये उम्मीद है स्टूडेंट्स आपका जो ये दूसरा लॉजिक फंक्शन या हम जिसको टेक्स्ट फंक्शंस भी कहते हैं ये भी समझ आया होगा और तीसरा जो हमारा है दैट इज वेरी वेरी पावरफुल लॉजिक फंक्शन वो है मिट मिड में क्या होता है मिड में अगर मीन्स uh, नाम सुन के ही आपको पता चलना चाहिए कि मिड के कैरेक्टर से लेता है कितने कैरेक्टर्स आपको चाहिए लेफ्ट में भी हमने देखा दैट मीन्स स्टार्टिंग स्ट्रिंग राइट में भी हमने देखा दैट मीन्स एंड ऑफ द स्ट्रिंग अब बीच वाले कैरेक्टर्स इफ यू हैव टू गेट द कैरेक्टर्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द स्ट्रिंग देन यू हैव टू यूज दिस फंक्शन विच इज वेरी वेरी पावरफुल फंक्शन एंड दैट फंक्शन इज नोन एज मिड फंक्शन तो हमें क्या करना है इक्वल टू एम आई डी मिड ब्रैकेट स्टार्ट करना है उसके बाद यहाँ पे आपको याद रखना है सबसे पहले हम उस स्ट्रिंग को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद कामा उसके बाद यहाँ पे आपको लेना है कि, कहां से आपको स्टार्ट करना है जो आपकी स्ट्रिंग है कहां से किस कैरेक्टर से आपको स्टार्ट करना है किस नंबर से फॉर एग्जाम्पल मैं उसको बोलता हूँ नाइन फोर तीसरे नंबर से आप स्टार्ट कर लो थ्री तीसरे नंबर के बाद कितने कैरेक्टर्स आपको देने हैं वो लिखना है फॉर एग्जाम्पल तीन से हमने स्टार्ट किया उसके बाद मुझे दो कैरेक्टर चाहिए ठीक है तीन से स्टार्ट किया दो कैरेक्टर चाहिए आप देख लीजिए ये देख लीजिए नाइनटीन तीन से स्टार्ट किया एक और दो दो कैरेक्टर्स आ गए तो स्टार्टेड फ्रॉम थर्ड नंबर और हमारे पास uh, कितने चाहिए दो दैट इज द फंक्शन ऑफ मिड तो ये ऐसे आपको समझ आया होगा फिर से मैं दिखाता हूँ मिड उसके बाद स्ट्रिंग सेलेक्ट करना है उस या सेल सेलेक्ट करना है उसके बाद कहाँ से आपको फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे रखूंगा चार चार से स्टार्ट कर लो और मुझे कैरेक्टर चाहिए जी चार एंटर करता हूं देख लीजिए चार से स्टार्ट किया एक दो तीन चार से स्टार्ट किया कैरेक्टर्स कितने चाहिए चार नाइन फाइव फाइव जीरो बीच वाले इफ यू हैव टू गेट द कैरेक्टर्स फ्रॉम द मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग देन यू हैव टू यूज दिस मिड फंक्शन उसके बाद अगर आप चाहते हो जो भी आपके पास डेटा है जितने भी आपके पास स्ट्रिंग्स है उनका भी ऐसा ही होना चाहिए तो आप ट्राई कर लो ये देख लीजिए हर एक स्ट्रिंग uh, के बीच वाले चार कैरेक्टर्स आ जाएंगे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको जो ये आज का वीडियो है समझ आया होगा हम अपनी तरफ से बहुत सी कोशिश करते हैं सो so दैट आपको पूरा समझाने की अब अगर आपको कहीं पे भी किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम दिखती है या किसी जगह समझ नहीं आता है तो आपको क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है तो इनशाला हम कोशिश करेंगे सून आपको रिवर्ट बैक करने की अपने आपका अपने घर वालों का ख्याल रख लीजिए खुदा हाफिज़ Stay blessed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa